हाई एवरी वन, विशिंग एवरी बडी अ वेरी हैप्पी दिवाली. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज रखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आप लोग इसरो के बारे में तो जानते ही होंगे. इसरो के बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेज और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती रहती हैं. सो उसमें से एक डिपार्टमेंट है IARS, जिसके बारे में हम पहले भी बात करते हैं, बिकॉज इनका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है वो बहुत फेमस है और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये डेली बेसिस पे लेकर आते हैं. बट इनकी तरफ से इंटर्नशिप्स भी ऑफ़र होती हैं. ये शायद हमने पहले नहीं बात की है, बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है और कैसे यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो हम चलेंगे IARS के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेंगी. सबसे पहले आपको लेकर जाना चाहूँगी मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, जहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू एजुकेशन, चाहे वो इंटर्नशिप की हो, स्कॉलरशिप की हो, जॉब्स की हो, कोर्सेज की हो, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की हो. इस वेबसाइट के अंदर हर एक तरह का कंटेंट अवेलेबल है और आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इंटर्नशिप आज IARS की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, इसके अंदर ये बेसिकली क्या रहेगी, एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप रहेगी. सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं. सबसे पहले IARS के बारे में बताया गया है कि IARS क्या है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि इसरो का ही एक आगे फर्दर पार्ट है. और यहाँ पे इनकी तरफ से जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत फेमस है. और जो इनके अब इंटर्नशिप की बात करने वाले हैं हम, वो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स बेस्ड इंटर्नशिप है. और यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा गया है. तो कौन लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही यहाँ पे अलाउड रहेंगे टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम. इसके अलावा अगर आप कोई भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में, तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि IARS ने स्पेशली कहा है कि यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन, अकेडमिक्स ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए. अगर आपने ग्रेजुएशन की है, एटलीस्ट 55% आपकी ग्रेजुएशन में मेंटेन होने चाहिए. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो एटलीस्ट 60% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में टिल सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर तक आपके यही आपका पूरा स्कोर होना चाहिए. इसके अलावा जब आप अप्लाई करेंगे तो और भी बहुत सारी इनकी तरफ से गाइडलाइंस निकाली गई हैं, जिसके बारे में फर्दर बात करेंगे. बाकी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात बोली गई है. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, एक तो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा. इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे दिया गया है. इनका पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन, तो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसके साथ आप अपना CV अटैच कर सकते हैं, साथ में अपने ईमेल ID, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स लगा सकते हैं साथ में, और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा कॉलेज की तरफ से. अब बात करते हैं कि ड्यूरेशन यहाँ पे बोली गई है कि आप अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम ड्यूरेशन इनकी है 45 डेज़ की. सो 45 डेज़ से लेके इनका 1 ईयर तक आपके पास इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं मिलेगी. मिनिमम 45 डेज़ है, मैक्सिमम यहाँ पे 1 ईयर है. इसके अलावा बोला गया है कि लास्ट डेट क्या रहेगी, तो लास्ट डेट को मैं बता दूँ आपको कि लास्ट डेट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 2 बार इनकी इंटर्नशिप निकल कर आती है. और 2 बार कौन कौन सी डेट होती है, एक तो होती है 31 अक्टूबर, तो आज है हमारी 31 अक्टूबर, आज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या 31 मार्च. दो ही इनकी जो होती है लास्ट डेट वो रहती है. 31 अक्टूबर मतलब अक्टूबर मंथ में इनकी सबमिशन स्टार्ट हो जाती है और मार्च मंथ में इनकी सबमिशन स्टार्ट हो जाती है. 31 मार्च एंड 31 अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट. इनकेस अगर आप इस वाले में अप्लाई नहीं कर पाए तो अभी से अप्लाई कर दीजिए, 31 मार्च के लिए आप यहाँ पे अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं. इनकेस अगर आप इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है जो डायरेक्टली आपको ले जाएगा इनके ऑफिशियल पोर्टल पे, और साथ साथ में इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा. तो सबसे पहले चलते हैं हम IARS के ऑफिशियल पोर्टल पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर इंटर्नशिप / समर ट्रेनिंग / प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क, वो यहाँ पे अटैच्ड है. तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा. एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लेकर जाना चाहूँगी, जहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि IARS के अंदर अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सो एटलीस्ट 60% और CGPA 6.2 की आपको मेंटेन करके रखनी होगी, और किसी भी साइंस या टेक्नोलॉजी अगर फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है
चलेगा, यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। बाकी जो आप जब भी अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर कि आपकी जो कॉलेज की तरफ से जो रिकमेंडेशन लेटर है वो यहाँ पे ज़रूर से आप लेकर आएँ। बाकी ये बोला गया है कि मिनिमम ड्यूरेशन आपकी, जैसे मैंने पहले भी बोला, 45 डेज़ है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर रहेगी। जब भी स्टूडेंट आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 3 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ वो लेकर आएँ, ओरिजिनल कॉपीज डॉक्यूमेंट्स के लेकर आएँ, वैलिड आईडी प्रूफ लेकर आएँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और एक अपना यूनिवर्सिटी कार्ड लेकर आएँ। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपको इनकी तरफ से कॉल आती है, आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना मत भूलिएगा। बाकी अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि यहाँ पे अटैच्ड है। ये आपका पार्ट वन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। डे टू में आपको अपनी एजुकेशनल रिलेटेड डिटेल सारी मेंशन कर देनी है। पार्ट थ्री में आपने ड्यूरेशन देनी है। ड्यूरेशन मैंने आपको बोला 45 डेज से लेकर 1 ईयर है। अपने मन से आप चूज़ कर सकते हैं कौन से मंथ में आप करना चाहते हैं, कितनी डेज़ की करना चाहते हैं, बट इसके बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा पार्ट फोर में आपको बोला गया है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, रिकमेंडेशन लेटर, CV और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स। ये करके आप यहाँ पे सिग्नेचर अपने कर सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। अब है डेक्लरेशन फॉर्म, ये भी आप यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ अपने HOD से या डीन से किसी से भी भरवा सकते हैं, और उनकी सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये इस PDF के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। इस PDF के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी, बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, वो आपने साथ में अटैच करके आपने कहाँ भेजना है ये आप देख लीजिए। सबसे लास्ट 11th पॉइंट में आपके पास इनका एड्रेस लिया गया है, ये एड्रेस पे आपने इसको कुरियर कर देना है। तो ये आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आई होप आपको सारी डिटेल्स मिल गई हैं। अब डिटेल्स में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, फटाफट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, इन केस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अगले साल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, 31 मार्च विल बी द लास्ट डेट। सो आई होप सारी डिटेल्स क्लियर हो गई हैं। इन केस कोई भी डाउट रहता है, यू गाइज कैन रीच आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड माई व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।